खबर है वाराणसी से। जयपुर के प्रधान नारायण पटेल गिरफ्तार हो गए हैं। धारा 308 के तहत रोहनिया पुलिस से किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष की गिरफ्तारी की पुष्टि भी। गांव में मारपीट के चलते जयपुर प्रधान पर कार्रवाई हुई है। गांव के राजकुमार यादव से काफी वक्त से एक विवाद चल रहा था। प्रधानी के चुनाव में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। सपा के राजकुमार यादव ने नारायण पटेल को टक्कर दी थी। पीएम मोदी का सांसद आदर्श ग्राम है जयपुर, वहां की ये बड़ी खबर। तो गांव के राजकुमार यादव से काफी दिन से ये विवाद चल रहा था और उसी के चलते लगातार कहा सुनी भी जा रही थी। और इस बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी। तो सपा के राजकुमार यादव ने नारायण पटेल को दी थी टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम के ग्राम प्रधान नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि गांव में किसी व्यक्ति को धमकाने का आरोप लगा है उनको और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और रोहनिया पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। यहां हमारे साथ उनकी बेटी आई है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का आरोप लगा है नारायण पटेल पर और क्यों गिरफ्तार किया गया है उनको। किस तरह का आरोप लगा है और क्यों गिरफ्तार किया गया है नारायण पटेल को? देखिए, जब ये जब गांव में कुछ झगड़े हुए थे उस समय गांव में कुछ वो आए हुए थे, कुछ अधिकारी आए हुए थे। क्या हुआ कि प्रधान जी भी नहीं थे, कुछ मार झगड़ा को लेकर सब राजनीतिक मुद्दे को लेकर सब प्रधान जी को फंसा रहे हैं। बस आरोप लगाया गया है उनके ऊपर कि प्रधान होने के नाते वो गांव में लोगों को धमकाते हैं, मारपीट का आरोप लगा है कि क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहते हैं कि वो इतने सीधे साधे इंसान हैं, वो इतने सीधे साधे इंसान है कि जयपुर में जितने भी देश विदेश लोग आए हुए हैं उनकी सिधाई का काफी तारीफ की है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सिधाई का उनको फल मिला है। जयपुर के ग्राम प्रधान को इस समय गिरफ्तार किया गया है, उनकी बेटी हमारे साथ थी। उनका कहना है कि बहुत ही सीधे हैं वो, बहुत राजनीति पार्टी के लोग उनको फंसा रहे हैं, ऐसा कहना है उनकी बेटी का। वाराणसी से नीतिका श्रीवास्तव समाचार प्लस के लिए।